हेलो जी, नमस्कार। केम छो, राम राम साहब, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेन लाइफ में। अगर थे हमारा चैनल पर नया हो तो प्लीज़ इन्हें सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन ने भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आप बड़ा हर नोटिफिकेशन के बारे में थाने पता चल सके। तो आज को जो आपने वीडियो हो बड़ो है वो झुंझुनू से लेर हिसार जंक्शन तक इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट के बारे में बात करते हैं। उन स्टेशनों की जो झुंझुनू से लेके हिसार के बीच में आते हैं, जैसे लोहारू जंक्शन, सादलपुर जंक्शन। तो शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को, वो भी झुंझुनू जंक्शन पे। जैसे कि आपको पता है कि झुंझुनू जंक्शन तक CRS कंप्लीट हो चुका है और वो सफल रहा है। तो अब बात करते हैं इससे अगले स्टेशन रतन शहर की। जैसा कि आप रतन शहर स्टेशन पर देख सकते हो कि अभी तक पोल लगे हैं और कई जगह पर पोल भी नहीं लगे हैं। देखिए, आपको इमेज में दिखाई दे रहे होंगे ये। अब बात करते हैं इसे अगले स्टेशन चिड़ावा की। तो चिड़ावा स्टेशन पर भी अभी तक पोल नहीं लगे हैं। हाँ, खड्डे ज़रूर खोदे गए हैं पोल के लिए, जैसा कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे होंगे। ये देखिए, यहाँ पे खड्डे खोदे हुए हैं और पोल भी पड़े हैं यहाँ पर। अब लगाए जाएंगे इनको जल्दी। अब बात करते हैं इसे अगले स्टेशन चिड़ावा से अगले स्टेशन की, सूरजगढ़ की। तो यहाँ पर भी अभी तक पोल का काम शुरू ही नहीं किया गया है, जैसा कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा। अब बात करते हैं इसे अगले स्टेशन की, लोहारू जंक्शन पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, जैसा कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा। प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2 और 3 तीनों पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कम्प्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं इसे अगले स्टेशन सादलपुर जंक्शन की। तो जैसा कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा कि सादलपुर जंक्शन के रूट पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं प्लेटफार्म पर। प्लेटफार्म नंबर 1 पर अभी तक इलेक्ट्रिफिकेशन का काम नहीं हुआ है, बल्कि 2, 3 और 4 और 5 प्लेटफार्म नंबर पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम बिल्कुल कम्प्लीट हो चुका है, जैसा कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है। 1 पर अभी तक काम इलेक्ट्रिफिकेशन का नहीं हुआ है। अब बात करते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 5 की, जो अभी नया बना है उस पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कंप्लीट हो चुका है, जैसा कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए आप, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे। अब बात करते हैं अगले स्टेशन सिवानी की, जो हिसार और सादलपुर के बीच में आता है। वहाँ भी अभी तक इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कम्प्लीट नहीं हुआ है, पोल भी नहीं लगे हैं वहाँ पर अभी। तो ये थी हमारी छोटी सी जानकारी इलेक्ट्रिफिकेशन की। और अब बात करते हैं उन ट्रेनों की, जैसे कि कोटा हिसार एक्सप्रेस, मुंबई दुरंदो सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तो इन ट्रेनों को अभी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव नहीं दिया जाएगा जब तक कि यहाँ हिसार तक इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कंप्लीट नहीं हो जाता है। चाहे कुछ भी हो जाए, झुंझुनू तक CRS कम्प्लीट हो गया हो, लेकिन जब तक इलेक्ट्रिफिकेशन हिसार तक कम्प्लीट नहीं हो जाता है, तब तक ये ट्रेनें डीजल लोकोमोटिव के साथ ही चलेगी। तो ये थी झुंझुनू से लेकर हिसार जंक्शन तक इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट की जानकारी। तो एंड करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में कमेंट कीजिए अगर आपकी कोई क्यूरीज है तो इससे रिलेटेड, और साथ में सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को अगर आप हमारे चैनल पर नए हो। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।